नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। मेरा नाम है रविंदर और आज की इस वीडियो में आपको ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं उनके लिए किस प्रकार आपको फोटो और साइन का जो है साइज बनाना है ताकि जो है प्रॉपरली आप जो है ऑनलाइन फॉर्म में अपने फोटो और साइन को जो है अपलोड कर सकें, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल से ही जो है अपने फोटो और सिग्नेचर का जो है साइज बना सकते हैं बिना किसी स्कैनर, बिना किसी प्रिंटर, बिना किसी जो है लैपटॉप या फिर पीसी के। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, आपको अपना जो फोटो है और साइन है यानी फ़ोटो आपका जो है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर आपके जो कि ब्लैक पेन से जो है यहाँ पर किए हों, यानी ब्लैक पेन से आपके जो फ़ोटो साइन जो है यहाँ पर एक प्लेन और जो है प्लेन पेपर पर जो है किए होने चाहिए। तो ये दोनों का जो है आप फ़ोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से अच्छी तरह से, यानी कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से जैसे ही आप फ़ोटो खींच लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल प्ले स्टोर में जाना है या फिर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें आपको पहला ही लिंक मिलेगा इस ऐप को डाउनलोड करने का। इस ऐप का नाम है दोस्तों JPG इमेज कन्वर्टर, डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप तकलीफ नहीं उठाना चाहते तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इसे ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सिंपल ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है परमिशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है दोस्तों, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अलो पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आप जो है आपने जो है अपने मोबाइल में जो फ़ोटो और साइन जो है खींचे हैं उनको जो है यहाँ पर लोड करना है। तो एक बार मैं आपको अपनी जो है फ़ोटोज़ में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर फ़ोटो और साइन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको फ़ोटो और साइन है, तो दोस्तों ये हमारा जो है फ़ोटो है। एक बार मैं इसे यहाँ पर जो है कॉर्प कर लेता हूँ, यानी फ़ोटो को जो है यहाँ पर कॉर्प कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली जो है अपने मोबाइल से इसे जो है यहाँ पर फ़ोटो को यहाँ पर कॉर्प कर लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको जो है फ़ोटो में ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम और जो है डेट ऑफ प्रिंट लिखा होना चाहिए, चाहे तो आप जो है इसे भी यहाँ पर से जो है हटा सकते हैं। तो मैं इसे जो है लिखा रहने देना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है इसे अच्छे से कॉर्प कर सकते हैं। तो मैंने इसे जो है कॉर्प यहाँ पर कर लिया है, आप थोड़ा टाइम लगा कर जो है अच्छे से कॉर्प कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कॉर्प कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर जो है सेव कर लेता हूँ। जैसे आप सेव करेंगे तो एक बार मैं आपको इसका जो है साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 165 KB का है। अगर आप डायरेक्टली इसे अपलोड करना चाहते हैं तो ये अपलोड नहीं होगा और वहाँ पर एरर दिखा देगा। यहाँ पर जो हमने कॉर्प किया था दोस्तों, इसका जो साइज़ था यहाँ पर वो 3 MB का था, यानी कॉर्प करने के बाद दोस्तों आपका साइज़ रिड्यूस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर को भी अच्छे से कॉर्प करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉर्प कर लेना है। तो एक बार मैं सिग्नेचर दोस्तों याद रखिएगा कि आपको ब्लैक पेन अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा है, ब्लैक पेन से ही जो है आप अपने सिग्नेचर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर को भी यहाँ पर जो है कॉर्प कर लिया है। उसके बाद मैं आपको एक बार इसका साइज़ भी यहाँ पर आपको जो है दिखा देता हूँ। तो इसका साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 KB है, ये भी आपका जो है साइज़ से ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो है आपको कॉर्प कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल जो है इस एप्लीकेशन में आना है, इस एप्लीकेशन में जो कि आपने इंस्टॉल कर ली थी, इसके बाद इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल लोड बटन आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपकी गैलरी खुल जाएगी, 3 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से किसी पर भी आप जाकर जो है फ़ोटो यहाँ पर लोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मैंने फ़ोटो यहाँ पर कॉर्प किया था वो यहाँ पर मैंने जो है अपलोड कर दिया है। आप भी जो है सिंपल अपनी गैलरी से फ़ोटो चूज करके यहाँ पर लोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है इसका साइज़ बनाने के लिए एक्शन पर जो है क्लिक करना है। एक्शन पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है रिड्यूस KBMB साइज़ पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, यानी आपको जो है एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म है उसमें ITBP के लिए आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो 30 से लेकर 100 KB के बीच जो है होना चाहिए, यानी 30 से 100 KB के बीच आपका जो है फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए ITBP फॉर्म के लिए, वो जो है 30 से लेके 100 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दिख रहे हो, तो उसमें से आपको जो है यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी का चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम 88 KB जो है चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही आप 88 KB चूज़ करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये फ़ोटो सेव करना होगा। इस पर जो है आई का बटन आपको दिख रहा है, आँख का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कि गैलरी से आप व्यू कीजिए। जैसे आप किसी से व्यू करते हैं, तो ये फ़ोटो जो है आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फ़ोटो जो है बन गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर जो है अगेन लोड पर जो है आपको क्लिक करना है। फ़ोटो हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है JPEG फॉर्मेट में, यानी बिल्कुल अपलोड के लिए वो फ़ोटो जो है हमारा रेडी है। उसके बाद हमें जो है सिग्नेचर का भी जो है साइज़ एडजस्ट करना है, यानी साइज़ बनाना है। तो लोड पर क्लिक कीजिए और जो है अपने सिग्नेचर इसमें जो है लोड कर लीजिए, जैसे आपने फ़ोटो लोड किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सिग्नेचर को भी इसमें जो है लोड कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपल एक्शन पर जाना है। एक्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ से जो है फिर से Reduce to KB साइज़ पर जो है क्लिक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार की विंडो आपको जो है शो होगी। फिर से यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए ITBP के लिए, वो यहाँ पर जो है 15 से 30 KB के बीच होना चाहिए, यानी 15 से 30 KB के बीच आपका जो है साइज़ यहाँ पर सिग्नेचर का होना चाहिए। अगर इसमें आपका जो है शो कर रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर शो नहीं कर रहा है, तो आप जो है मान लीजिए कि आपका 60 तक ही शो कर रहा है, तो 60 तक जो है आप जाइए। 60 तक जाने के बाद जो है आपने जो फ़ोटो सेव किया है, उसे फिर से लोड कीजिए। उसके बाद आपको जो है और कम जो है साइज़ यहाँ पर शो करेगा। तो इस प्रकार जो है आप उसका साइज़ से साइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 24 KB शो कर रहा है, यानी 30 से कम है और 15 से अधिक है। तो इस पर जो है हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर जो है फ़ोटो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। यहाँ पर डन का ऑप्शन आ गया, तो हमारा जो है फ़ोटो यहाँ पर जो है सेव हो गया है, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया है दूसरे फ़ोटो के साथ। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में, और जो है बिल्कुल अच्छे साइज़ में, यानी फ़ोटो और साइज़ दोनों हमारे जो है यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब जो है इन्हें आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ोटो और सिग्नेचर के स्थान पर जो है अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, जो है अच्छी क्लैरिटी के साथ आप जो है यहाँ पर फ़ोटो आपके अपलोड हो जाएंगे। और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका जो फ़ोटो और साइज़ है, फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB तक है, तो आप जो है मैक्सिमम कीजिए कि 80 से 90 वाली लाइन में ही जो है अपना जो है फ़ोटो दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दे सकते हैं। आप जो है 50 KB का भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो है दे दीजिएगा उनके अकॉर्डिंग जो साइज़ उन्होंने मांगा है। तो इस प्रकार जो है आप अपने फ़ोटो और साइन का जो है साइज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं और उन्हें जो है अपलोड कर सकते हैं। तो हमने जो है वीडियो भी बना दी है, किस किस प्रकार आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है ITBP के लिए। अब आपके पास फ़ोटो और साइन रेडी हैं, तो आप जो है मेरे साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वो वीडियो भी कुछ ही देर में जो है पब्लिश हो जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो हम लेकर आते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप ही आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी कैफे में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से और आप जो है अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।